सो आज का जो सेशन है, सेशन नंबर 40, और आज का जो सेशन एजेंडा है वो रहेगा हमारा डिटेल एनालिसिस फॉर नाइट्राइट, जिसे आप NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं इन एक्वा कल्चर। और आप बहुत ही ज्यादा इसको अपना फिश फार्मिंग में, श्रिम्प फार्मिंग में, एक्वा कल्चर में बहुत ज्यादा फेस करते हैं, और दिस इज ए हाईली टॉक्सिक टू योर एक्वाटिक एनिमल। जितना भी हमारा सेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ फ्री अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन अ वर्ल्ड फिशरीज डे 2021। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। इट इज अ इनिशिएटिव फॉर द टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ एक्वा कल्चर। और जितना भी सेशन होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा। टुडे सेशन इज सेशन 50, एक कदम मत्स्य पालन सफलता की ओर। तो जब भी हम अपना नाइट्राइट की बात करते हैं तो नाइट्राइट इज अ हाईली टॉक्सिक टू योर एक्वाटिक एनिमल। नाइट्राइट्स एंटर अ फिश कल्चर सिस्टम आफ्टर फीड इज डाइजेस्टेड बाय फिश एंड द एक्सेस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया व्हिच इज देन एक्सक्रीटेड एज वेस्ट इनटू द वॉटर broken down by bacteria in your pond through a process called the nitrogen cycle. तो एक natural process है जो अकर होना ही है। अब आपको उसके लिए अपना biotic और abiotic condition favorable रखना है so that वो सारा process आपका proper रहे। और क्या उसकी ranges हैं, क्या condition होंगी, वो हम आगे की slides में discuss करेंगे। रीजन ऑफ नाइट्राइट, सबसे पहले वो नेचुरल प्रोसेस है, उसको अकर होना ही होना है। तो किन किन रीजन से वो होता है? सबसे पहला जो है ओवर स्टॉकिंग ऑफ फिश। जितना भी स्टॉकिंग आपको करना था उससे ज्यादा आपने पॉपुलेट किया, ओवर पॉपुलेट किया, देन यू विल डेफिनेटली फेस दिस इश्यू। ओवर फीडिंग एंड हाई प्रोटीन, अगर बहुत ज्यादा आप एक्सेस फीड करा रहे हैं, हाई प्रोटीन फीड दे रहे हैं, डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम विल अकर। हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर नहीं, जो आपके वाटर का टेम्परेचर है। लेस ऑक्सीजन, तो जो आपकी नाइट्रोजन है वो जल्दी से रिलीज नहीं होगा अगर आपका ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन हमेशा प्रॉपर रखिए, जिससे आपका 50-70% प्रॉब्लम कम हो जाएगा डेड एल्गी। जो आपका फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन सब कुछ बन रहा है, एक सर्टेन टाइम के बाद उसको डेड होना है, और जब भी वो डेड होगा, डिकम्पोज होगा, उस टाइम पर ये सारा प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो उस टाइम पर भी डिकम्पोजिशन की वजह से ये सब आपके पास हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी। नाइट्राइट, तो जो आपका नाइट्राइट है वो टॉक्सिक है, हार्मफुल है आपकी फिश के लिए। इट इज हाईली टॉक्सिक टू फिश एंड श्रिम्प। बेटर मैनेजमेंट टू कंट्रोल इट सो दैट नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एक्वाटिक एनिमल्स। तो आपको प्रॉपर मैनेज करना है, वाटर प्रिपरेशन से लेके, प्रॉपर स्टॉकिंग से लेके, प्रॉपर फीडिंग से लेके, ऑक्सीजन प्रॉपर रख के, प्रोबायोटिक प्रॉपर अप्लाई करने हैं, मेंटेन करने हैं आपको अपनी वॉटर क्वालिटी। नाइट्राइट, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द पीएच एंड टेम्परेचर। जो आइडल रेंज है लेस देन 0.25, परफेक्ट वैल्यू 0 ppm, जो बहुत टफ है मेंटेन करना अपने कमर्शियल एक्वाकल्चर में। बट आप उसको कोशिश कीजिए कि 0.25 से हमेशा नीचे नीचे ही रखें। एक बार जब आपका पूरा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेटली यू विल गेट द 0 ppm। बहुत सी मेजरमेंट किट आपको मिल जाएगा, किसी भी ट्रस्टेड ब्रांड का एक मेजरमेंट किट ले लीजिए, जिससे आप प्रिकॉशनरी स्टेप ले सकें। पीएच पे बहुत फोकस कीजिए, टेम्परेचर पे फोकस कीजिए, एरिएशन पे फोकस कीजिए, definitely you will reduce your risk. How to control? It is reduce the feed. जैसे ही आपका spike beyond limit जाता है, तो सबसे पहले आप cut कर दीजिए
फीड को या रिड्यूस कर दीजिए 25-50% जहां तक भी आप कर सकते हैं। अ गुड प्रोबायोटिक, एरिएशन पे अच्छे से काम कीजिए, कार्बन सोर्स प्रोवाइड कीजिए इन टर्म ऑफ द मोलसेस, इन टर्म ऑफ द शुगर, इन टर्म ऑफ द राइस हस्क, इन टर्म ऑफ द राइस ब्रैन। क्लोराइड सोर्स कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑन द फिश। तो जितने टाइम तक वो बना हुआ है आपके कल्चर में तो गिल के थ्रू फिश उसको लेंगी तो हैम्पर होगा उनको, तो आप एक क्लोराइड सोर्स वहां पे दीजिए। कैल्शियम क्लोराइड भी है जो रिस्ट सोर्स है, और दूसरा आपके पास अपना रॉ सॉल्ट सोडियम क्लोराइड भी है। हाउ टू कंट्रोल, कैल्शियम क्लोराइड कैन ऑल्सो बी यूज बट इट इज टिपिकली मोर एक्सपेंसिव। द क्लोराइड पोर्शन ऑफ सॉल्ट कम्पीट्स विद नाइट्राइड फॉर एब्जॉर्प्शन थ्रू द गिल्स, मेंटेनिंग एट लीस्ट अ 10:1 ऑफ क्लोराइड टू नाइट्राइड। अगर 1 पोर्शन आपका नाइट्राइट है तो 10 पोर्शन उसका आप क्लोराइड रखिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए और यू विल प्रोवाइड अ सप्लीमेंट्री डोज फॉर द क्लोराइड, सो दैट जो नाइट्राइट का इफेक्ट है वो उस पर कम आए और आप इतने टाइम में उसको गुड प्रोबायोटिक देके वहां पे उन वैल्यूज को मेंटेन कर सके। आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, सुझाव हैं, कमेंट हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और भी किसी विषय पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम अपनी टीम के साथ पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ वो आपको देने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कुछ पूछना चाहते हैं तो 9971155753 इज अ नंबर। We are Ancient India Agri Businesses, low investment business ideas and secure your investment. We are working as a progressive farmer, training and knowledge partner, consultant, business planner and partner. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल Ancient India Agri Business को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। Also press the bell icon so that you can get the latest update फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे ये इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर के पास पहुंच सके। धन्यवाद।